तो ये गाइस आप लोग को मालूम होगा कि विजय मेहर जी ने अभी अभी नई फोटो पोस्ट करी, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, या फिर आप विजय मेहर जी को फॉलो करते हैं तो आप लोगों ने ये फोटो विजय मेहर जी का देख लिया होगा। तो भाई ये विजय मेहर जी ने बहुत हार्ड एडिटिंग करी है, सही में बहुत हार्ड। मेरे को दिमाग लगाने भाई इतना ज़्यादा टाइम लग गया ना, मेरा मन कर रहा था मैं वीडियो नहीं डालूंगा, बट क्या है ना, मैं आपने मेरे को सब्सक्राइब कर रखा है यार, मैं आपके लिए वीडियो जरूर लाऊंगा चाहे जैसा भी लाऊं, बट आपको सेम एडिट करना सिखाऊंगा, मैं आपको बता देता हूं। और कुछ ज़्यादा बकवास नहीं करता हूं मैं, बस यही बोलूंगा कि मेरे को बहुत मेहनत लगी यार, सही में बहुत दिमाग लगाए तब जाके मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं, सही में बहुत मेहनत लगी यार सच्ची। तो गाइस चलते वीडियो की तरफ, ज़्यादा आपका समय वेस्ट नहीं करते हैं। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड का बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका भाई विजय मेहर जी की कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ता, फटाक से डाल देता, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सुनो भाई बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए चलते वीडियो की तरफ। तो गाइस सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में इस बैकग्राउंड को ओपन कर लेना होगा, और आप लोग जैसे कि देख सकते हैं मैंने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में बैकग्राउंड को भी ओपन कर लिया हूं। तो गाइस जो भी मैं इस एडिटिंग में यूज़ करूंगा तो सारी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो आप लोग वहां से इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा। सो गाइस कभी कभी गूगल ड्राइव पे मतलब प्रॉब्लम हो जाती है, आप लोग डाउनलोड नहीं कर पाते स्टॉक, तो मुझे कमेंट कर दिया करो तो मैं कुछ वहाँ प्रॉब्लम सोल्यूशन कर लिया करूँगा, तो आप लोग को दे दिया करूँगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं एडिटिंग की तरफ। तो गाइस सबसे पहले आपको टूल्स पर जाना होगा, बैकग्राउंड को कर लेना होगा रिसाइज, तो हम बैकग्राउंड को रिसाइज करते हैं, आप लोग भी कर लीजिएगा। एंड गाइस रिसाइज करने के बाद आप लोग को क्या करना होगा, गाइस आप लोग को यहाँ से जाना होगा ऐड फोटो पे, एंड जो भी आप अपना फोटो एडिट करना चाहते हैं आप लोग वो फोटो ले आइएगा, ठीक है। तो गाइस मैं आप लोग को पहले बताता हूँ पोज, तो पोज आप लोग को जो विजय मेहर की एडिटिंग है ना, जो हम लोग कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, आप लोग को सेम वैसा पोज करना है, ठीक है, फिर आप लोग को बताता हूँ क्या करना है। तो देख सकते हैं मैंने मतलब विजय मेहर का ही मॉडल लिया दूसरा वाला, तो मैं इस टाइप से एडजस्ट कर रहा हूँ, एंड एडजस्ट करने के बाद आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। फिर तो मैंने मॉडल का बैकग्राउंड फाइल से रिमूव कर लिया था, अगर आप लोग को नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूंगा, तो आप लोग वो वीडियो देख के सीख लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने एडजस्ट कर लिया हूँ, एंड गाइस एडजस्ट करने के बाद आप लोग को सिंपली यहाँ से जाना होगा ऐड फोटो पे, एंड ऐड फोटो पे जाने के बाद आप लोग को मैं विजय मेहर जी की साइट के PNG बना लिया था, ये PNG आप लोग को बहुत काम देगा, ठीक है। तो आप लोग को करना क्या होगा गाइस, आप लोग को यहाँ से जाना होगा क्रॉप पे, ठीक है। एंड क्रॉप पे जाने के बाद आप लोग को क्या है ना, जो विजय मेहर की ये बाजू की PNG है ना, जो हैंड की, ठीक है, पहले आप लोग को इसको लेना होगा, और इसको लेना क्यों होगा वो आप लोग देखते जाइए वीडियो पे आगे, ठीक है, आप लोग को पता चल जाएगा क्या कर रहा हूँ मैं। सो गाइस मैंने बहुत दिमाग लगाया तब जाके मतलब ये कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ मैं आपको, सही में बहुत दिमाग लगाया हूँ मैंने। तो आप लोग को इस टाइप से एडजस्ट करना अपने अकॉर्डिंग, थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से करिएगा, ठीक है। आप लोग इस टाइप से पोज देंगे ना सेम, तो आपका है मतलब सेम एडिट होएगा, ठीक है। तो आप लोग को पोज पे थोड़ा सा ध्यान देना है, तो मैं कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर रहा हूँ गाइस, एंड एडजस्ट करने के बाद आप लोग को बताता हूँ मैं, ठीक है। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं जो विजय मेहर जी का हैंड था वो हमने एडजस्ट कर लिया है, एंड एडजस्ट करने के बाद आप लोग को क्या करना होगा, फिर यहाँ से जाना होगा ऐड फोटो पे, एंड फिर आप लोग को टी शर्ट को ले आना होगा, वो सॉरी शर्ट को ले आना होगा आप लोग को, एंड इस बार शर्ट को लाने के बाद आप लोग को ऐसे क्रॉपिंग कर लेना होगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से आपको क्रॉप करना होगा, एंड क्रॉप करने के बाद आप लोग को कर लेना होगा डन, एंड डन करने के बाद आप लोग को इस फुल बॉडी पर अप्लाई कर देना होगा, जैसे मैं कर रहा हूँ आप लोग सेम ऐसा करिएगा। सो मैं इस टाइप से कर रहा हूँ, आप लोग देखो अगर पोज सेम देते हैं ना विजय मेहर जैसा, तो आप लोग का एडिट भाई सेम हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। तो मैं कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छे से कर लेता हूँ मैं, ठीक है। सो गाइस मैंने इस टाइप से एडजस्ट करा, एंड फिर जाता हूँ इरेज टूल्स पे, एंड जो ये पार्ट आ रहा फालतू के से मैं करता हूँ रिमूव, और जो भी मैं एडिटिंग कर रहा हूँ आप लोग कुछ कुछ तो समझ रहे हैं कि हाँ मैं क्या करना चाह रहा हूँ, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो जो हाथ में आ रहा पार्ट उसे मैं करता हूँ रिमूव, तो आप लोग देखो वीडियो पूरे देखते जाइए, आप लोग को सेम एडिट करना सिखाऊंगा, मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। तो मैंने ये पार्ट को करा रिमूव, एंड रिमूव करने के बाद गाइस मैं क्या करता हूँ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से राइट पे करता हूँ डन, एंड डन करने के बाद आप लोग को अब क्या करना होगा गाइस, फिर आप लोग को यहाँ से जाना होगा ऐड फोटो पे, ठीक है, फिर आप लोग को शर्ट को ले आना होगा, एंड शर्ट को कर लेना होगा क्रॉप। तो चलिए हम क्रॉप करते हैं थोड़ा थोड़ा सा करके, आप लोग देखो जो मैं बता रहा हूँ आप लोग समझ रहे हैं, मेरे को मालूम है, ठीक है, कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ या क्या बोल रहा हूँ आपके लिए। तो मैंने इस टाइप से क्रॉप करा, एंड क्रॉप करने का जो ये खाली सा पार्ट आ रहा है ना यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे से एडजस्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जाता हूँ इरेज टूल्स पे, इन्हें से करता हूँ इन्वर्ट। इन्वर्ट करने के बाद जो हमारी ये टी शर्ट पर नहीं आया, कलर फिल नहीं हुआ है, तो मैं उसे फिल कर रहा हूँ, तो आप लोग भी इस टाइप से करिएगा।
एंड फिर आप लोग को बताता हूँ और क्या करना होगा आप लोग को। सो गाइस थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है, मुझे माफ़ करिएगा प्लीज़। तो मैंने यहाँ से कर लिया डन, एंड डन करने के बाद आप लोग देख सकते हैं सेम विजय मैर जैसा फील हो रहा है। तो गाइस इसके बाद आप लोग को क्या आना, फिर जाना होगा ऐड फोटो पे, एंड जो बर्ड की पीएनजी आप लोग को ले आनी होगी। तो पहले बर्ड की पीएनजी मैं लगाता हूँ, फिर आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। एंड इस टाइप से मैंने क्रॉपिंग करा, एंड क्रॉपिंग करने के बाद आप लोग को यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर देना होगा, ठीक है। सो मैंने एक पीएनजी को एडजस्ट करा है, एंड एडजस्ट करने के बाद फिर आप लोग को दूसरी पीएनजी को भी ले आना होगा। तो पहले मैं एक पीएनजी को एडजस्ट करता हूँ, एंड फिर डन करता हूँ। एंड डन करने के बाद गाइस फिर मैं यहाँ से जाता हूँ ऐड फोटो पे, एंड जो हमारी दूसरी पीएनजी है उसको भी मैं ले आता हूँ। लाने के बाद आप लोग को बताता हूँ मैं। तो मैं दूसरी पीएनजी को भी ले आया हूँ, एंड दूसरी पीएनजी को आप लोग को ऐसे नीचे के साइड पे एडजस्ट कर देना होगा कुछ इस टाइप से। सो मैंने इसको भी इस टाइप से एडजस्ट करा हूँ, एंड एडजस्ट करने के बाद आप लोग को बताता हूँ मैं। सो मैं थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, एंड बड़ा करने के बाद एडजस्ट करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग करिए, अपना दिमाग लगा के आप लोग को किस टाइप से एडिट करना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा वीडियो पे अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, बट आप लोग को आराम से करना है। एंड मैंने इस पीएनजी को भी एडजस्ट करा, एंड कर लेता हूँ डन। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं हमारा फोटो सेम विजय मैर जैसा एडिट हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग इसी टाइप से अपना फोटो भी एडिट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ से जाता हूँ ड्रॉ टूल्स पे, एंड ड्रॉ टूल्स पे आने के बाद क्या ना, यहाँ से थ्री डॉट पे टैप करके फोटो को कर लेता हूँ सेव। सो गाइस अगर आप लोग चाहते हैं कि हमें भाई रीटचिंग करना है, तो आप लोग लाइटरूम की मदद से या फिर स्नैपसीड की मदद से आप लोग रीटचिंग करते हैं कर सकते हैं, बट मैं नहीं करता हूँ। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टॉप। सो गाइस आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बहुत मेहनत करता आपका भाई, तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो चलिए जब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।